क्या कहते थे दूसरे गीत में, कैसे भिक्षा मांगते थे पंडित जी, दे दाता के नाम, ओ देने वाले दाता के नाम दे दे दाता के, आवाज लगा देते पंडित जी जब रुकमणी छोटी जी तब, दे दाता के नाम तुझे अल्लाह रखेगा, मेरा नाम रुक्मणी को केवल नाम से ही प्रेम हो गया, भगवान को कभी देखा नहीं था रुक्मणी ने, कभी नहीं देखा था, केवल नाम से ही प्रेम हो गया। रुक्मणी आज रो रही है वो बचपन की कहानी याद करके, कि पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए आए थे और कहते थे प्रतिभूमि में हुआ है अवतार, अगर हमें कन्हैया ना मिले तो मैं मर जाऊंगी लेकिन चंदेरी नहीं जाऊंगी। लोगों ऐसे रुक्मणी थबक थबक करके रो रही थी। तब तक एक ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने के लिए आ गए, माता भिक्षा हम दे। रुक्मणी बाहर निकल के आई, पंडित जी तुम दूसरी जगह भिक्षा मांग लो, क्या भिक्षा नहीं मिलेगी? आशो बिटिया कौन सी बात हो गई, सो कहने की चमड़ी हम तो बड़ा सहारा लगाए के आए। देखो मेरा भैया अपने साले के साथ में मेरी शादी कर रहा है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे, चले जाओ तुम दूसरी जगह मांग लो। हाय बिटिया ऐसी तो हमने कमाना है सही दुनिया में, जैसे आज के यहाँ जाओ। पंडित जी कहने लगे तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? अब रुक्मणी बोली पंडित जी हमारी शादी ना है भाई, बर्बादी है बर्बादी। पंडित जी बोले शादी कहीं बर्बादी होती है, तुम कैसी बातें करती हो? कमली नहीं पंडित जी मेरी शादी नहीं, मैंने तो बर्बादी है बर्बादी। पंडित जी बोली क्यों, तुम्हारी शादी है, नगर सजा हुआ है दुल्हन की तरह और तुम कहती हो बर्बादी है बर्बादी है। अब बताओ पंडित जी ऐसा जमाने में कहीं आपने देखा है कि साले के साथ में बहन का विवाह होता है? हमारा भैया मेरे साले के साथ में अपना मेरा विवाह करने जा रहा है, हमारा भैया अपने के साले के साथ में मेरा विवाह करने जा रहा है, ऐसा कहीं होता है? तब पंडित जी बोले तुम की नहीं चाहती हो? कहने लगी हम कन्हैया को चाहेंगे। तो तू चिट्ठी लिख दे और चिट्ठी लिख के भेज दे तो चले आएंगे कन्हैया, तुम चली जाना। अब बोली पंडित जी ऐसा करो हम चिट्ठी लिखने तुम्हारी ले जाओ। पंडित जी का ठीक आती जो बोले सोई कुंडी खोले। अरे हमारे उसकी बात नहीं है, हम नहीं जाएंगे लेकर के। रुक्मणी कहने लगी पंडित जी अगर तुमने पत्र से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारे सामने मार करके कटारी अभी मर जाऊंगी। पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं ऐसा मत करना, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा मत करना।